लॉकडाउन की मार टीवी के एक एक शोज पर ऐसी पड़ी है कि या तो कुछ शोज सीधा ऑफ एयर हो गए या फिर अब वो टीआरपी में वैसा कमाल नहीं कर पा रहे जैसे कि पहले किया करते थे। लेकिन कलर्स टीवी पर छोटी सरदारनी अब भी काफी कमाल कर रहा है। ये शो न सिर्फ ऑनलाइन टीआरपी में अच्छी रेटिंग्स के साथ आगे है बल्कि बाप की लिस्ट में भी टॉप पोजीशन पर कायम है। पिछले साल जुलाई 2019 में शुरू हुआ इस शो ने लगातार जिस तरह से लोगों को इम्प्रेस किया वो काफी काबिले तारीफ है। शो के अब तक 300 से भी ज्यादा एपिसोड्स ऑन एयर किए जा चुके हैं। लेकिन वो कौन सी तीन वजह हैं जिसके कारण लोग शो से जुड़े रहे और शो बना सुपरहिट, आपको बताते हैं इस वीडियो में। पहली वजह, मेहर सरब की अमेजिंग केमिस्ट्री। शो की जो जान है वो है मेहर और सरब का किरदार निभाने वाले एक्टर अवनीश रेखी और निर्मित कौर आहलूवालिया। वैसे तो अवनीश रेखी टीवी के जाने माने स्टार हैं और इस शो से पहले वो तो सूरज में सांझ पियाजी शो से काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं। लेकिन छोटी सरदारनी में एक्ट्रेस निर्मित कौर के साथ उनका बॉन्ड काफी जबरदस्त नजर आया है, उससे शो की ऑडियंस भी काफी जुड़ चुकी है। मेहर और सरब की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि ये टीवी के फेमस ऑन स्क्रीन कपल्स के रूप में अब गिने जाते हैं। इस शो के जरिए बेशक दोनों ने पहली बार स्क्रीन शेयर की हो लेकिन दोनों की दमदार एक्टिंग का जलवा सचमुच कमाल कर गया है, जिससे कि ये जोड़ी अब ऑडियंस की फेवरेट भी बन चुकी है। आपको बता दें कि ये शो निर्मित का डेब्यू शो है लेकिन जिस तरह से वो अवनीश के साथ परफॉर्म कर रहे हैं उसे देखते हुए लगता ही नहीं कि दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दूसरी वजह, प्यार के साथ दुश्मनी का जबरदस्त ट्रैक। पर छोटी सरदारनी में एक और जबरदस्त बात ने लोगों को बांधे रखा है और वो है शो में प्यार के साथ साथ दुश्मनी के ट्रैक का बैलेंस। जी हाँ, शो में सरब मेहर की प्यार की केमिस्ट्री तो खूब एंजॉय कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इसी के साथ जिस तरह से मेहर के अतीत के प्यार मानव की दोबारा उसकी लाइफ में एंट्री हुई और उसका बेहद ही क्रूर रूप देखने को मिला, उससे शो में प्यार के साथ साथ दुश्मनी का ऐसा ट्विस्ट आया है कि ऑडियंस भी हैरान रह गई। और तीसरी वजह, वक्त के साथ मेकर्स लाए नए नए ट्विस्ट। वेल, किसी भी शो की कहानी ऑडियंस को बोर ना करे इसके लिए कहानी में वक्त के साथ साथ ट्विस्ट आना बेहद ही जरूरी है। छोटी सरदारनी के मेकर्स ने भी इस ट्रिक को अपनाते हुए टाइम टाइम पर एक ही ट्रैक को ज्यादा ना खींचते हुए कहानी में उतार चढ़ाव लेकर आए, जिससे कि ऑडियंस को शो में नयापन भी नजर आया और वो शो से अभी तक बंधे हुए रहे। जैसा कि जिस मेहर और सरब की जिंदगी अब तक महलों में बीत रही थी, अब मेकर्स ने उनकी लाइफ में गरीबी का नया ट्रैक जोड़ दिया है। वो मुश्किल हालातों में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये फिलहाल शो में दिखाया जा रहा है। मेकर्स के इस नए ट्विस्ट से ऑडियंस इमोशनल रूप से भी मेहर सरब से जुड़ चुकी है। साफ है कि शो की कहानी ही नहीं बल्कि इसके किरदारों की एक्टिंग भी काफी जबरदस्त है, जो शो के सुपरहिट होने की सबसे बड़ी वजह बने हैं। वैसे आपको छोटी सरदारनी शो कैसा लगता है, शेयर कीजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।